खाओ स्वस्थ, रहो मस्त। बच्चों, क्या आपको याद है कल हम एक खेल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ खाने की चीजों के खिलौनों को देखकर पता करेंगे कि वो कौन से डब्बे में जाने चाहिए। तो आज आप उस खेल के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले गपी तुम आओ। ऐसे ही एक एक करके हम सबकी बारी आएगी। ठीक है मैडम। मुझे मिला है एक सेब और चिप्स। मैडम, ये दोनों ही चीजें कभी भी खाने वाले डब्बे में आएंगी, है ना? सेब के लिए तुमने सही कहा गप्पी, वो कभी भी खाने वाले डब्बे में आएगा, क्योंकि सेब सेहत के लिए अच्छा है, हमें काफी सारी बीमारियों से बचाता है, इसे हम रोज खा सकते हैं। पर हम चिप्स रोज नहीं खा सकते, इसमें बहुत सारा नमक और तेल होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम ज्यादा चिप्स खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारे शरीर को जरूरी पोषण भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे हम कभी कभी वाले डब्बे में रखेंगे। ओ, अब समझा। अब मेरी बारी है मैडम। मुझे मिली है ये गाजर और पनीर। मुझे गाजर का तो पता है कभी भी खाने वाले डब्बे में रखना है, पर ये पनीर मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है। हाँ मैडम, ये दोनों ही चीजें कभी भी वाले खाने वाले डब्बे में जाएंगे। शाबाश चुटकी, बिल्कुल सही। पनीर दूध से बनता है और इसको खाने से हमारा शरीर मजबूत बनता है, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ स्वस्थ रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजर रोज खाने से हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। मैं समझ गई मैडम, मुझे भी रोज गाजर खानी चाहिए, बिल्कुल हमारे दोस्त टिंकू के जैसे। बिल्कुल सही चुटकी। अब मेरी बारी है मैडम। मैडम, मुझे मिला है चावल का पैकेट और ये एक चॉकलेट। ये दोनों ही खाने की चीजों के खिलौने कभी कभी वाला खाने के डब्बे में जाएंगे। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है दोनों ही कभी भी खाने वाले डब्बे में जाने चाहिए। नहीं बच्चों, चावल कभी भी वाले खाने वाले डब्बे में और चॉकलेट कभी कभी वाला खाने वाले डब्बे में जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों मैडम? बच्चों, चावल में बहुत पोषण होता है और अगर हम इसे रोज खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, और दूसरी तरफ चॉकलेट बहुत ज्यादा मीठी होती है, अगर हमने इसे रोज खाया तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि हमारे शरीर को जरूरी पोषण भी ना मिले। समझे बच्चों? जी मैडम, हम समझ गए। खाएंगे हम खाना स्वस्थ, जिससे हम रहेंगे मस्त। दाल, सब्जी, दूध और रोटी, यही हम सबको है कभी भी खानी, क्योंकि इनसे ही मिले हमारे शरीर को पोषण सभी। चॉकलेट, चिप्स और टॉफी कभी कभी हम सबको है खानी, क्योंकि रोज खाया इन्हें यदि पड़ सकते हैं बीमार हम सभी। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों, आप भी हमारी ही तरह समझ गए होंगे कि हमें कौन सा खाना रोज खाना चाहिए और कौन सा कभी कभी। आपकी स्क्रीन पर कुछ खाने वाली चीजें दी गई हैं। आप भी इस वीडियो की तरह उन्हें कभी भी वाला खाना और कभी कभी वाला खाना के डब्बे में रखें। जैसे दूध को हम कभी भी पी सकते हैं, इसीलिए उसे कभी भी वाले डब्बे में रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ
हम तला हुआ खाना रोज नहीं खा सकते, इसीलिए वह कभी कभी वाले डब्बे में आना चाहिए। दोस्तों तो आप भी स्वस्थ खाना खाइए और मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।